नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर क्राइम ब्रांच द्वारा लॉरेंस विश्नोई गैंग के 3 शार्प शूटर गिरफ्तार हुए हैं। आरोपी पंजाब में रहकर कई बड़े अपराध कर चुके हैं। आरोपी के पास से अवैध देसी पिस्टल सहित कारतूस बरामद हुए हैं। आरोपी इंदौर क्यों आए थे और किस वारदात को अंजाम देने के लिए वो घूम रहे थे, पुलिस वो तलाश कर रही है। इंदौर क्राइम ब्रांच एडिशनल DCP राजेश दंदोटिया द्वारा बताया गया है कि देर रात इंदौर क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि 3 पंजाब से आए हुए बदमाश अवैध हथियारों के साथ इंदौर में घूम रहे हैं। जब क्राइम ब्रांच ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया तो आरोपियों के पास से अवैध हथियार बरामद हुए हैं। आरोपी छोटी ग्वालटोरी इलाके के एक होटल में ठहरे हुए थे, जिनके पास से देसी पिस्टल और जिंदा राउंड बरामद हुए हैं। वहीं वो इंदौर में क्या किसी वारदात को अंजाम देने आए थे या फिर इंदौर के समीप कहीं से हथियार खरीदने आए थे, पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। वहीं आरोपी लॉरेंस विश्नोई गैंग के शूटर हैं और उनके लिए सुपारी लेकर वारदात को भी अंजाम देते हैं। ये अमृतसर के जो 3 लड़के हैं, जो कि अमृतसर से 307 के आरोप में फरार थे, जैसा कि जानकारी मिली है। और ये खबर मिली थी कि कहीं ना कहीं ये जो बड़वानी से स्पीकर से कुछ वेपन्स लेकर आ रहे हैं और ये यहाँ पर किसी जो छोटी ग्वालटोली में एक उसमें होटल में रुके हुए हैं। इसकी सूचना पर से क्राइम ब्रांच की टीम ने घेराबंदी की और 3 आरोपियों को हिरासत में लिया। इनके कब्जे से 2 पिस्टल और 2 कट्टे, कुल मिलाकर 4 वेपन मिले हैं, 3 जिंदा राउंड मिले हैं। जब इनसे पूछताछ की गई तो एक ने अपना नाम राशिम बताया और एक ने अपना नाम पुनीत बताया और तीसरे का नाम शिवम। ये तीनों ही अमृतसर के रहने वाले हैं। पूछताछ में इनके द्वारा बताया गया कि ये 307 की हत्या के मामले में फरार हैं और ये शुभम गैंग को बिलोंग करते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया, शुभम गैंग के सदस्य हैं। इसमें शुभम गैंग का जो मास्टर है वो जग्गू भगवानपुरिया है, जो कि वर्तमान में किसी घटना में जो हत्या के मामले में बठिंडा जेल में बंद है। और ये 3 लोग, इनकी जो राइवलरी चल रही है वो सिमरन गैंग से चल रही है। सिमरन गैंग में जो इनका मास्टरमाइंड है वो सनी गुरिल्ला है। तो इन दोनों में पिछले 5-6 साल से लगातार गैंग वॉर चल रही है। उस गैंग वॉर के चलते पहले भी वेपन्स ले जा चुके हैं यहाँ भगवान भाई अपने बड़वानी से, और अभी भी ये वेपन्स लेकर जा रहे थे। और चूंकि वहाँ पर गैंग वॉर चल रही है, कहीं ना कहीं बदला लेने की नीयत से कहीं ना कहीं कोई घटना घटित कर सकते थे। फिलहाल इन तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया, पंजाब पुलिस को खबर की जा रही है और इन्वेस्टिगेशन में आई तथ्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने पूछताछ में ये बताया कि जो जग्गू भगवानपुरिया है उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई से है और कुछ फोटो भी उनके द्वारा बताए गए थे कि सोशल मीडिया में, इसमें यूट्यूब पर इस तरह के फोटो भी है। फिलहाल इन सभी चीजों की इन्वेस्टिगेशन। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। Yeah.